गाइस ब्लॉगर की ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। इट्स लाइक मोर देन 12 नाउ एंड आई हैव जस्ट एडिटेड माय वीडियो। गला से आवाज़ नहीं निकल रहा है, फिल्टर में पानी नहीं है, अभी पानी डालूंगी फिर पीऊंगी। एंड आई हैव अपलोडेड द वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज़ मंडे मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यूजुअल आई हेट मंडेज। कल गुड्डू बोल रहा था कि संडे के बाद और एक संडे क्यों नहीं आता है, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल। लेकिन अगर पॉसिबल होता तो बहुत ही अच्छा लगता। बट एनीवेज, मैं सुबह से ब्लॉग बनाई हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा शूट किया है मैंने, बट मैंने इंट्रो वीडियो नहीं बनाया था। सो अभी मैं बना रही हूँ, तो आप लोग पहले सुबह का सीन देखिए, उसके बाद मैं मिलती हूँ। ये रहा सत्तू का शरबत गुड्डू के लिए। मुझे मतलब क्या, रात को एडिट वेडिट करने के बाद मुझे मतलब सुबह में मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, एकदम आँख जल रहा है। मैं लेट से उठी तो नाश्ता भी नहीं बनाई, तो गुड्डू ने बोला कि सत्तू का लाया ही है तो बना दो। तो मैं कभी नहीं बनाई थी सत्तू का शरबत, आज इसने मुझे सिखाया हाउ टू मेक सत्तू का शरबत। कैसा बनाया? रियली हेल्दी, पीना चाहिए लोगों को। यू नो क्विक है, मतलब इजी टू एक्सप्लेन। लाइक आपने सत्तू का पाउडर डाला, पानी मिला, नमक मिला, रेसिपी बता रहा है। और ये आपको मतलब काफी देर तक एनर्जी रहेगा, लाइक अभी खाओगे तो दोपहर तक आराम। मुझे भी बोल रहा था कि तुम भी पियो, तुम्हें तुम्हारे लिए भी अच्छा है। मैं नहीं पीने वाली। इसके बाद तेल गर्म होते ही हमें डालना है ये काला वाला जीरा, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें भिंडी। पहले भिंडी को फ्राई कर देना है, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम लोग, ऐसे फ्राई कर लेंगे पहले। और जब तक ये फ्राई हो तब तक हम लोग अपना मसाला बना लेते हैं। नमक बिल्कुल थोड़ा सा दीजिएगा क्योंकि मसाले में नमक जाएगा। पेस्ट करना है, और मेरे पास सरसों का पाउडर था तो उसको मैंने क्या किया, नमक डाल के अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिला लूँगी। आपके पास अगर पाउडर वाला सरसों नहीं है तो आप सरसों पीस सकते हैं मिक्सी में, बट उसमें मिर्ची और नमक डालना मत भूलिएगा, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। ये देखिए हमारा भिंडी फ्राई हो गया है। अभी बीच में से हम लोग क्या करेंगे, हाइड करेंगे इसको। बेसिकली हम लोग तेल में डालेंगे जो मसाला है, पहले हम लोग लहसुन और जो कच्चा मिर्ची का पेस्ट है वो डालेंगे। तो ये रहा सरसों का पेस्ट, इनको कमा के थोड़ा सा ढक देंगे बस। थोड़ा सा उबाल आने के बाद ही हम लोग उठा सकते हैं इसको। एंड अवर भिंडी चचोड़ी इज रेडी। अब इसको भात के साथ खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। खाना तो बन चुका है, अभी मैंने गुड्डू को कॉल भी कर दिया है कि जल्दी खाने को, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा। वैसे सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, एंड नाउ इट्स लाइक 1 PM, तो भूख लगी है, तो अभी खाना खाएंगे फटक से। जो टेस्ट करके बताएगा कि भिंडी चचोड़ी कैसा हुआ है, बताओ बताओ। हाउ इज इट? खतरनाक है, खराब होने से भी अच्छा बना पड़ेगा। सो गाइस, अभी खाना खाने के बाद मुझे तो नींद आ रहा है, बट या आई हैव लॉट ऑफ वर्क। तो मैं आज पेपर्स लेके बैठी हूँ, मुझे ये आज कंप्लीट करना है। आई डोंट वांट टू फिनिश माय वर्क ऑन डेडलाइंस, तो मैं चाहती हूँ कि पहले से करके रखूँ। एंड या तब तक आप लोग मेरा मेकअप का ट्यूटोरियल वाला वीडियो देखिए, जो मैंने कल शूट किया था, मतलब रेडी होने के साथ साथ मैंने वो शूट किया था। बट मैं कल वाला वीडियो में ऐड नहीं किया, क्योंकि वो वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाता। सो या यू वॉच दैट। मैं मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत अपना मेकअप कर ही लेती हूँ। So I put some moisturizer. This is like gel moisturizer, so primer का भी काम कर देगा। इतना सारा हो जाएगा। चलो थोड़ा बहुत। And like let it dry a little bit. That much is enough to blend this nicely. This is my usual normal makeup, क्योंकि base बहुत ही light होता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अच्छे से मैंने makeup किया था सिर्फ अपनी शादी में, तो वो video आप लोग देख सकते हो, जिसमें अमृता ने मुझे सजाया था, and she did a great job. I loved it. थोड़ा सा फाउंडेशन पहले में भी लगाना है, क्योंकि मैं भूल गई थी। सर टेक सम मोर, पुट इट, ओप्स, बहुत सारा लगता है। थोड़ा सा सो या द बेस इज रेडी,
Now with this Fit Me Compact, I'll pack my face nicely. So I will just थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेरा ग्रोथ कम है तो यहाँ पे थोड़ा सा बस लगाऊंगी. जस्ट मेक अ लाइन एंड जस्ट फिल करूँगी. तो मेरा ग्रोथ अच्छे ही है आईब्रोज के. एंड विद दिस ब्रश आई जस्ट ब्रश इट ओवर. तो जो भी मतलब लाइंस हार्श लाइंस नहीं बनेंगे क्योंकि लाइक गुड वन पैलेट. आई टेक दिस लाइट कलर पिंक थोड़ा सा और बस थोड़ा सा क्रीज पे लगा लूँगी. ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा क्योंकि मेरा मैं जो पहनने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट पिंक कलर का है. बस इसमें जस्ट मैं थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, ज़्यादा नहीं, ओनली ऑन द क्रीज. क्योंकि अभी फेस पूरा फ्लैट लग रहा है क्योंकि मैंने वो फाउंडेशन लगा लिया था. सो इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसी में से यही पैलेट में से थोड़ा सा ब्राउन कलर लगाऊंगी एंड जस्ट मेक लिटिल बिट कट्स. इससे ब्रॉन्जिंग हो जाएगा. For this brush, I'll blend this thing. So finally, it's time for the mascara. So ये मैंने इसको थोड़ा सा मतलब काजल के साथ blend कर दिया. So guys, I'm done with the mascara. Now it's time for shimmer, some highlighter, जो सबको चलो. Now last but not the least, some lipstick. सो गाइज माई मेकअप इज़ लाइक ओवर. अभी मैं फटफट अपना ड्रेस पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं इयर रिंग्स वगैरह पहनूंगी. सो गाइज दिस इज द इयर रिंग आई बॉट. इट्स टाइम टू पुट वन स्मॉल बिंदी एंड ओपन माई हेयर एंड फिक्स दैट. गाइज दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई एम रेडी नाउ. थोड़ा बहुत किया एंड उसके बाद मैंने अपना नेल्स कट किया, नेल पेंट उठाया एंड थोड़ा सा उसमें मॉइस्चराइजर लगाया. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब घर के काम करते हो डिटर्जेंट्स वगैरह लगते हैं, डिश वॉश वगैरह, सो दोज आर नॉट गुड फॉर योर नेल्स फॉर योर स्किन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंटिन्यूसली आप जब भी बर्तन धोके आते हो या कुछ काम करके आते हो, यू शुड ऑलवेज पुट सम मॉइस्चराइजर एंड कीप योर स्किन नाइस एंड जेंटल. तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ छत पे, अपने कपड़े सूख गए तो बुलाने जा रही हूँ. एंड उसके पहले मैं ले जाऊँगी कुछ आम का अचार जो कि मैं छत पे बैठ के खाने वाली हूँ. लाइक वो अपना गिटार लेने आया था, उसका गिटार का स्ट्रिंग मतलब टूट गया है तो वो लगाने लेके जा रहा था. मैं बोला कि मुझे भी ले चलो, तो वो बोला कि रहने दो अभी जाने का जरूरत नहीं लेके गया मुझे. मैं बोला मुझे भूख लगा हुआ है, मेरे कुछ लेके आना. तो क्या खाओगे बताओ. मैंने बोला कि पता नहीं चल रहा है मुझे क्या खाने का मन कर रहा है एक्चुअली. मतलब मुझे मन कर रहा है कुछ खाने का लेकिन मैं बता नहीं पा रही क्या खाने का मन कर रहा है. मैंने बोला तुम कुछ भी ले आना. और फिर वो बोला कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं बोला लेके आना. और तुम क्या करो, आपके साथ जैसा कभी होता है कि कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या खाने का मन कर रहा है. सो गाइस गुड्डू आ गया है. अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, वो गिटार लाना है और कुछ सामान है टूथपेस्ट वगैरह जो मैं भूल जाती हूँ मतलब लाना, तो वो सब लाने जा रहे हैं. सो या आ ही भीड़ है आज, यहाँ पे कुछ हो रहा है इसलिए पूरा एकदम ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. ओ बहन बोल रहे थे, मेरी बहन बोल रही थी ये लोग हम लोग आ गए गिटार लेने. लॉट्स ऑफ गिटार हियर. सो या गाइस वी हैव रीच्ड होम एंड करंट नहीं था, अभी करंट आया हुआ है जस्ट नाउ. एंड हम लोग पूर्वा भी गए थे तो वहाँ से गुड्डू का मम्मी ने हमारे लिए सब्जी पैक कर दिया है. सो स्वीट ऑफ हर्ट, मुझे खाना बनाना नहीं है रात का. चावल है ही, दाल भी बचा हुआ है तो सब्जी तो हो ही गया है, तो हम लोग डिनर कर लेंगे. एंड गुड्डू अपना गिटार ट्यून कर रहा है, कभी हाँ गाना सुना दूँगी कोई नहीं. एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. And also share with your friends and also press the bell icon. I'll be back with a new video tomorrow. Till then, please take care of yourself and keep sharing love and positivity around. Bye. Good night.